दोस्तों वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। ये वीडियो बहुत मतलब बहुत सोच समझ के बनाया गया है। वीडियो इतना आपको मोटिवेट करेगा आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें आप सुन के आप खुद कहोगे कि हाँ ये बात अक्सर सही है और सभी लोगों के लाइफ में अक्सर होता है जो मेरे लेवल के हैं अभी उनके। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को आप एक बार पूरा देखना, और अगर आपको ये वीडियो सही में वाकई में अगर मेरी बात सही लगे तो ही आप करना सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब किया भी वाला हो, अगर आपको मेरी बात में कोई दम ना लगे तो इस चैनल को भी अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन बात मैं अच्छी करूँगा आपको। एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों होता क्या है, भाई होता है बड़ा भाई, मतलब जब वो कमाने के लिए बाहर जाता है वो कितनी मेहनत करता है और करीब परिवार से होता है, और उसका एक छोटा भाई उदाहरण के लिए मैं, बड़ा भाई की कितनी चाहत होती है। दोस्तों कल मैंने इतना मतलब बात को सोच समझ के आपके लिए मैं ये एक छोटी सी स्टोरी बना रहा हूँ, आपको कुछ मोटिवेट मिले, मतलब कुछ आपको कुछ सीखने को मिले। तो भाई बड़ा भाई बाहर काम पर जाता है, विदेश मतलब बाहर बोले तो महाराष्ट्र वगैरह कहीं काम पर जाता है, और छोटा भाई जो घर पर रहता है पढ़ाई करता है मम्मी पापा के साथ। होता ये क्या है, छोटा भाई बड़े भाई से फ़ोन पे बात होती है, ज़िद करता है मुझे मोबाइल दिलाओ, मुझे गाड़ी दिलाओ, मुझे बाइक मतलब बाइक दिलाओ, मतलब चाहत रहती है। लेकिन उस छोटे भाई को अभी ये पता नहीं है कि अपना बड़ा भाई कितनी मेहनत करके काम करता होगा बाहर, और उस बड़े भाई की चाहत क्या होती है जो मैंने मैंने रियल देखा है। बड़ा भाई फ़ोन पे उसको बोलता है कि जब तू अच्छा पढ़ेगा, अच्छे तेरे मार्क्स आएंगे, मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं तुझे सब कुछ ला के दूंगा। अभी मैं ना तो तुझे मोबाइल दिला सकता हूँ, क्योंकि बड़े भाई को अच्छी तरीके से पता है अगर अभी से इसको अगर हमने मोबाइल दिला दिया तो ये पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएगा। तो ये जो बात है, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कितना कुछ करता है, यानी कि मतलब बहुत कुछ करता है। जैसे कि मैं हूँ आप लोगों के सामने, मुझे भाई दीनू भाई ने मेरे भाई ने मतलब पहले मुझे एक कीपैड मतलब मोबाइल की शौक रहती थी, तो मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने एक कीपैड जियोनी का मोबाइल दिलवाया। उसके बाद में फिर मैं भी अच्छा पढ़ने लगा था उस समय, फिर मैं 8 में आया था, 8वीं में मुझे 8वीं में मुझे टैबलेट मिला, और उस टैबलेट को मतलब ख़राब था, वो ख़राब हो गया, उसके पैसे से फिर हमने वापस एक अच्छा सा मुझे मोबाइल दिलाया। लेकिन उसके बाद में भी मतलब वैसी दो चार मोबाइल तो मैंने मेरे भाई ने मुझे दिए, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर होता है मतलब कोई बड़ा भाई छोटे भाई की अक्सर हेल्प करता है अब तक भी, और करते रहते हैं, अच्छा चाहते हैं कि भाई अपना छोटे भाई का भविष्य अच्छा हो। अब अक्सर ये होता है कि जब ये बात हो जाती है, छोटा भाई कहता है कि मुझे मोबाइल दिलाओ भाई, मैं मुझे मोबाइल चाहिए, क्योंकि सब छोटे सब आजकल सबके पास, तो उसके मन में भी ख्याल आता है। लेकिन बड़ा भाई उसे कहता है कि अगर अभी ध्यान से नहीं पढ़ा तो मेरे जैसे मशीनें उठाएगा, मेरे जैसे मतलब वजन। दोस्तों हकीकत बताता हूँ, मतलब जो कल मैंने जो सोचा है ये वीडियो आपको तुरंत बता रहा हूँ, तो हकीकत है ये। वो बाहर जाता है, कितनी 80-80, 90-90, 50-60-60 किलो की मशीनें उठाता है, खदान में काम करता है, कई कई मतलब कितने मेहनत का काम करता है, धूप जो भी धूप सर्दी जल्दी उठना, वो काम मतलब कठिनाई का काम वो करता है। वो उसे यही कहता है, अगर तू सही पढ़ ले तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो मेरे जैसे मशीनें उठाएगा और मेरे जैसे तुझे मजबूरी में इतना काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी यहाँ उधर। तो ये बातें समझाता, तो मैंने आप लोगों को यही बातें बताई। अक्सर क्या होता है, जब अपने को जब पता चलता है कि वाकई में उस समय उन्होंने ये बात सही की थी, मैंने भी हालांकि पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, मैंने मेरे परिवार वालों ने मेरे से बहुत नाराज़ रहे कि भाई पढ़ाई क्यों छोड़ी, लेकिन मैंने किसी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी पढ़ रहा हो, आप भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके परिवार में भी ऐसे कोई बच्चे हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि उन्हें कुछ लगे कि क्या फ़र्क पड़ता है बाद में, जब पढ़ाई छोड़ने में क्या छोड़ दिया, फिर बाद में इधर उधर जाना, काम करना, वो वजन उठाना, ये करना, देखो काम सब करना। लेकिन जब तक आपकी पढ़ने की लगन हो, आप अच्छा पढ़े और अपने परिवार वालों का साथ जो कहे वो उनका कहना माने, ये दोस्तों ये वीडियो मोटिवेट आपको ज़रूर करेगा अगर आप मेरी बात को
ध्यान से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जल्दी मोबाइल ले लेना, मतलब एक ख्वाहिशें सब पूरा करता है बड़ा भाई, उसकी ख्वाहिश हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन बड़ा भाई को ये पता है कि अगर मैं इस छोटे को मोबाइल दिला दूंगा तो ये बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? ये तो मैं मेरे भाई की बात करता हूँ। मेरे भाई ने मुझे मोबाइल दिलाए, मुझे पढ़ाई में मतलब हर एक चीज़ में, मुझे डाटा का भाई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मतलब हर एक चीज़ में ये। उसके बाद में मैंने खुद ने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद में मुझे मैंने इधर उधर कहीं काम गया तो भी मेरे से नाराज़ रहा करते थे अधिकतर, लेकिन फिर बाद में मैं ठीक काम करने लगा था, उन्होंने एक अच्छी सी मेरे लिए काम भी ढूंढा, और काम के अंदर दोस्तों काम के साथ ही साथ उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा दोस्त ढूंढा। अच्छा दोस्त जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, ये मेरा बहुत काम वर्क में मतलब स्टाफ में मतलब बेस्ट दोस्त है, जो हम दोनों आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, मतलब इतना हम क्लोज रहते हैं, मतलब दूर, अब दूर रहते हुए भी हम इतना पास रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इतनी गहरी मित्रता है। आप फोटो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरा दोस्त है, मतलब भाई ने, मतलब ये सब भाई ने किया, भाई ने मुझे दोस्त दिया इतना अच्छा बात करने के लिए, भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कुछ सिखाना करना अच्छा, मतलब ये नहीं, दोस्त कई तरह के होते हैं लेकिन इन जैसा दोस्त मैंने अब तक तो नहीं देखा और नहीं मैं देखूंगा। ये मेरी जो अंदर की भावना है ये बोल रही है दोस्तों। बस इस वीडियो से आपको क्या मोटिवेशन मिला, क्या आपको क्या कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अगर पसंद आई तो आप शेयर भी कर सकते हो। बस ये वीडियो यही था कि पढ़ाई ना छोड़े, जब तक हो पढ़ाई करते रहे, वरना ऐसा मोबाइल के चक्कर में, हाँ मोबाइल ले रहे हो एक लिमिट हद तक, आप पढ़ाई में भी ध्यान दो। ऐसा नहीं कि भाई इंस्टाग्राम चलाया, भाई फलाने आदमी से चैटिंग कर रहे हैं, भाई पूरी अरे यार मैसेज का रिप्लाई दो, ये दो वो दो, मतलब इस चीज़ों में आप मोबाइल का यूज़ ना करें अगर आप मेरी तरह एक बच्चे हो तो। और अगर कहीं आप वर्क भी करते हो तो वहाँ पे भी आप ज़्यादा मोबाइल का, अगर आप मोबाइल का यूज़ करेंगे तो आपका काम में ध्यान नहीं लगेगा। मैंने कई लोगों को देखा है वाकई में, मैं व्हाट्सएप चैटिंग इंस्टाग्राम मतलब चैट पे चैट, अरे यार चैट मतलब मैंने दोस्तों, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मुझे अभी तक इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता है कि मतलब कैसे क्या स्टोरी डालना नहीं आता, मतलब कुछ भी, खाली आईडी बना रखी है अपने यूट्यूबर सब्सक्राइबर के लिए, भाई मुझे फॉलो कर सकते हैं या मुझे जो भी उनकी पसंद हो, बाकी मैं कभी इंस्टाग्राम को कभी ये नहीं कि मुझे इंस्टाग्राम खोल के देखना है। मेरे व्हाट्सएप में भी मैंने इतने ग्रुप्स में से बाहर निकले वाला हूँ, मतलब क्योंकि मुझे 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 मेरे काम से काम रखना। अगर दोस्तों मैं अगर इन चीज़ों में अगर लग जाऊँगा ना तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा दोस्तों। मैं किसी भी चैनल पर, मेरा चैनल है, मैं किसी भी चैनल पर अगर कोई पॉइंट या कोई मैं नहीं सोचूं कोई टॉपिक तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ मेरा खो दिया है, मतलब ऐसा मुझे महसूस होता है। तो दोस्तों आप भी धैर्य बनाए रखे, पेशेंस रखे, सफलता बहुत जल्द मिलेगी, लेकिन मैंने जो आपको कुछ ये बातें बताई है इनका ध्यान रखे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। ये मोटिवेश आपको कितना अच्छा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ब्लॉग बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। मेरे ब्लॉग चैनल को यार प्यार दीजिए, जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, प्रणाम।